Dear students, now let's look at food vocabulary. Vocabulary plays important role in the development of our communication skills. So in this video, we'll talk about food vocabulary. As I've stated some points about food, so food is wonderful. Sharing meals with family and friends can bring people together and remind us of old traditions. We can also build new traditions with food and make friends by trying new things together. Food is also a good way to introduce people in a new culture. Whenever we go to any new culture, so we invite normally in our families as well, we invite people on dinner. So once you are inviting people on dinner, so it creates good bondings with the people, right? So, however, talking about food is not always easy, it's not that much easy, like if you have been talking about food, because there are the different things about foods and different horizons are there to talk about food. So, obviously, it remains a bit difficult for us to explain. So, in English, there are many specific words to describe how food taste and how they feel, right? So, in this video. We are going to discuss the same one. Here is some common and sometimes confusing vocabulary that we use in English to describe food. So, now let's look at first. What is acidic food? When we talk about food, food is very short, so very sour. So, that is called acidic food. So, some fruit juices are very acidic. Coffee fruit juice, fruits fruit the juice, are short, especially lemon trees. एस्ट्रीन एस्ट्रीन व्हाट डज इट मीन मीन बहुत ज्यादा खट्टा या जैसे कड़वा अगर होता है या खट्टा होता है लाइक फॉर एन एग्जाम्पल टेस्ट इज वन दैट स्ट्रॉन्ग इन स्ट्रॉन्ग एंड बिटर जो काफी ज्यादा स्ट्रोंग और बिटर होता है राइट सो दैट इज कोल्ड एस्ट्रीन सो लाइक आई फील एस्ट्रीन टेस्ट ऑफ लेमन जूस सो नेक्स्ट इज देअर बिटर बिटर व्हाट डज इट मीन इट मीन्स कड़वा राइट सो मीनिंग अ स्ट्रोंग शार्प टेस्ट दैट इज नॉट स्वीट राइट जो जिसका स्वाद जो होते हैं वो मीठा नहीं होता सो दैट इज कोल्ड बिटर सो लाइक ब्लैक कॉफी लीव्स अ बिटर टेस्ट इन द माउथ राइट जैसे कड़वापन आता है ब्लैक कॉफी जो है नॉर्मली पीने के बाद में सो बिटर बिटर स्वीट स्वीट इज जैसे बोलते हैं ना कि लाइक like, uh, कड़वा मीठा राइट सो दैट इज कोल्ड बिटर स्वीट सो लाइक टेस्टिंग बिटर एंड स्वीट एट द सेम टाइम एक ही समय पर जब दोनों टेस्ट आते हैं खट्टा मीठा जैसे होता है सो लाइक कड़वा मीठा सॉरी so that is called like बीटर स्वीट सो आई लव बीटर स्वीट चॉकलेट नेक्स्ट इज ब्लैंड bland क्या होता है having a strong और इंटरेस्टिंग टेस्ट राइट जैसे किसी चीज के अंदर बहुत सारी चीज हम एकदम से मिक्स कर देते हैं तो उनका कोई स्वाद नहीं होता राइट right? सो so नरम स्वाद या बेसवाद जिसको हम बोल देते हैं सो दैट इज called ब्लैंड सो लाइक tofu by has uh, by itself has a bland taste means uska koi taste it's like it's an, a bland taste we can say hot that is a gum contains a lot of spices that create a burning feel in your mouth right

तो उनको प्रॉपर जो है रिपन एकदम से जब 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 तक वो तैयार होते हैं तब तक उनको रखकर हम रखते हैं तो दैट इज कोल्ड मेच्योर जैसे लाइक फूड इज लेफ्ट टू बी मेच्योर राइट सो जैसे बच्चा इंसान भी होता है तो वो धीरे धीरे वजह से बड़ा होता है सो एज दे हैव बीन ग्रोइंग अप सो वी गेट लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू डू सो व्हेन इट इज स्मॉल सो इट अपीयर्स क्वाइट स्वीट सो दैट्स हियर सो मीनिंग इट आर लेफ्ट टू डेवलप अ प्लेज एंड स्ट्रॉन्ग फ्लेवर सो दैट इज द चीज इज स्म राइट right? जैसे उसको पहले स्मॉक किया है फिर उसको जो है मेच्योर होने के लिए रख दिया गया right? so, जैसे हल्का फुल्का स्वाद किसी चीज के अंदर होता है प्रॉपर पूरा स्वाद नहीं होता सो दैट इज कोल्ड मिल्ड सो डज नॉट है स्ट्रॉन्ग टेस्ट सो दैट इज कोल्ड मिल्ड सो लाइक इट्स वेरी मिल्ड फ्लेवर राइट की मीन इसका जो है बहुत ज्यादा अच्छा स्वाद नहीं है और बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है इट्स मिल्ड एवरेज जिसको हम बोलते हैं द फूड एवरेज सो यू कैन से लाइक द फूड इज मिल्ड योर फूड मिल्ड नेक्स्ट इज इज डज इट मीस लाइक जैसे किसी चीज का बहुत ज्यादा अच्छा जो स्वाद होता है हैज अ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर काफी मजबूत स्वाद जिसको हम बोलते हैं लाइक अ ग्रीन बनाना इज नॉट रिप इनफ टू ईट मीन्स जो ग्रीन बनाना हैं उनका इतना अच्छा स्वाद नहीं होता Next is savory. Savory means, what does it mean? नमक मसालों का चखना या मीठा नहीं होना, right? so uh, so like, right? so ये किस तरीके का मसालेदार है या नमकदार है सो दैट इज कोल्ड स्पाइस इज नॉट और देश सेल्फ सो सीजन सीजन इज मीन्स स्वाद के में सुधार करने के लिए जो मसाला

इंट्रीच हो जाता है एग्जाम्पल इज देर सो सोसेज वॉज वेरी हाईली सीजन उसके अंदर जो है सीजनल आइटम्स जो है वो ज्यादा युक्त है सो लाइक शार्प इज कोल्ड कड़वा सवाद राइट right? जिस चीज का काफी ज्यादा कड़वा स्वाद होता है सो दैट इज कोल्ड शार्प हैज स्ट्रोंग एंड बीटर फ्लेवर सो लेट्स एग्जाम्पल इज देयर द चीज है डिस्टिंगली उसका जो स्वाद है वो काफी ज्यादा भाई कड़वा है

पकाने से कुछ समय पहले जो जैसे खुशबू आती ना, तो that is cold, है ना तो दैट इज कोल्ड है ना सो लाइक वो वर्ड यहाँ पे ऐड नहीं है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू खाने से जो खुशबू आती है सो दैट इज कोल्ड एरोमा वो हम यहाँ पे ऐड नहीं किया हमने तो एरोमा जो है वो एक खुशबू होता है खाने का स्मेल खुशबू नहीं होता खाने का सो दैट इज कोल्ड लाइक हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और स्मेल एज अ रिजल्ट ऑफ बींग कैप्ट फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग सो यू कैन ईट but it has a jimmy flavor right so next is their tart means this is like you can talk about like imli so that is also like just like slightly sour taste so i don't like tart apple right next is they are unsalted means bina namak ka jo koi hota hai. so that is called unsalted not flavored with salt so should i bake with salted or unsalted butter right कि जैसे नमक वाले बटर के साथ बनाना है बगैर नमक बटर के साथ विदाउट सोल्ट राइट जो सोल्ट होता है वो विदाउट सोल्ट नहीं होता सो दैट इज अनसोल्टेड नेक्स्ट इज वॉटरी वाटरी वट डज इट मीन जैसे पानी जैसे स्वाद होता है बोलते हैं ना यार बेस है राइट right? जिसका बहुत ज्यादा अच्छा स्वाद नहीं होता और मीन बकबका यू कैन ऑल्सो से नॉर्मली पीपल इन माई टेरेटरी दिस से इसका सबा तो बड़ा बक बका हैजन टेस्ट गुड सो दे वी यूज द वर्ड वॉटरी देअर सो लाइक पेयर और नॉट स्ट्रॉन्ग सो दजिटेबल्स वॉटरी एंड टेस्टलेस सो ना फाइनली वी आर टॉ गंग टू टॉक अबाउट फूड कंडीशंस तो फूड की कंडीशंस के बारे में भी हमें पता होना चाहिए सो वॉट आर द फूड कंडीशन फूड कंडीशन इज फ्रेश तो फ्रेश क्या होता है ताजा राइट right? जैसे सुशी ऑलवेज रिक्वायर्स फ्रेश फिश राइट ऑफ मींस बंद राइट आई एम अफ्रेड दिस चीज टेस्ट ऑफ सो इन जो चीज है इसका जो टेस्ट है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं आने वाला राइट सो दैट इज ऑफ अब बेकार भी जिसे आप बोल सकते हैं इसको रॉ मींस कच्चा जैसे होता है सुशी इज मेड फ्रॉम लाइक रॉ फिश एज वेल एज वेजिटेबल्स सीवीड एंड राइस So, is like, जैसे, जैसे होता है कि इतना ज्यादा पका हुआ नहीं होता वो हाफ जैसे आप पका हुआ बोल सकते हैं पूरी तरीके से पके है नहीं किए सो दैट इज कॉल्ड रिप सो रोटन इज मीन्स सड़ना राइट right? जैसे सड़ा हुआ फ्रूट हो जाता है सो दैट लाइक दिस मीक स्मेल्स रोटन आई थिंक वी शुड थ्रो इट अवे मीन्स इसको फेंक देना चाहिए फेंकने के लिए क्या होता है थ्रो इट अवे ट राइट हार्ड भी हम इसको बोल सकते हैं सो दफ आई कूडन हार्डली टू इट मीन्स उसको चुपाना बहुत ज्यादा मुश्किल था राइट सो टें लैम्प वॉज सोट एंडर दैट इज टू मिल्ड इन माई माउथ राइट मीन्स काफी ज्यादा वो जो ले था वो काफी ज्यादा टेंडर यू कैन ऑल्सो सी इट हार्ड सो इट लाइक मेल्ट इन दैट इट मेल्ट इन जस्ट मेड मी स्ट्राइक इन टेंडर बोलते हैं सो ओवर कुकड इज लाइक अद पका जैसे कोई चीज होता है मीन्स हाफ फ्राइड आप उसको बोल सकें कि कुछ बना हुआ है कुछ आधा वो पक्का है आधा कच्चा है सो द अंडर कुकड सेलेमन was very फूअर right? Next is अनिप means जिसको आपने तोड़ तो लिया है लेकिन वो इतना पका हुआ नहीं है so many types of fruits are picked मैनी and like packed, picked पिक्ड and become ripe as they are shaped, right? जैसे हम कुछ fruits normally तोड़ लेते हैं जैसे जो इतने ज्यादा पके नहीं हुए होते तो उनको जैसे पैकिंग्स करके हम सप्लाई करते तो उतने टाइम में वो पक जाता है एक पके हुए फ्रूट को अगर सप्लाई करते तो वो फिर रोटन हो जाता है राइट सो जो कच्चा जो फ्रूट है उसको पैक करते हैं सो दट इज कोल्ड सो नेक्स्ट इज ओवर कुक ओवर कोक होता है भाई जो खाना बहुत ज्यादा पक चुका होता जिसको है जिसको बोलते हैं ना यार ये खाना बिल्कुल फूक चुका है सो लाइक इट्स ओवर कुकड ब्रंट जिसको हम बोलते हैं कि फूड इज बीन ब्रांड तो ब्रंट वहां पर नहीं आएगा दैट इज कोल्ड ओवर कुक राइट सो लाइक द ब्रोकली वॉज ओवर कुकड इट शुड है राइट So that's all about the food topic. So, kindly share your feedback with us. Thank you so much for watching IELTS Doctor. Good luck for English.